नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हम देखते हैं ऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं, सब उसके अंदर सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होंगे। तो 15 साल और 10 साल में तो देखते हैं यहाँ पे एएम वाइज जाना चाहिए था या परसेंटेज वाइज जाते तो कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे हाथ में आता। यहाँ देखते हैं ऑल इक्विटी लास्ट 15 ईयर्स 5,000 रुपये पर मंथ ऑल इक्विटी सेलेक्टेड है। पहले नंबर पे आता है लास्ट 15 ईयर्स में आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, 2008 से लेके अब तक 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ जमा किया, तो 9 लाख जमा किया है, 47 लाख वैल्यू है 20% के रिटर्न से। यहाँ पे अगर एयूएम देखते हैं तो 9,300 करोड़ है। दूसरे नंबर पे है डीएसपी स्मॉल कैप, 2008 से लेके 2023 तक 9 लाख जमा हुआ, 5,000 रुपये पर मंथ ही जमा हो रहा है। इसका एयूएम देखते हैं, यहाँ भी 9,200 करोड़ है, इसने भी 20% का ईयरली रिटर्न दिया है। कैनरा रिवोको इमर्जी 15,000 करोड़, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 36,000 करोड़, 5,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 9 लाख का वैल्यू 41 लाख, 18% का रिटर्न। इसी तरह से ये चलते रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 2008 से लेकर 2023 तक 23,000 करोड़, काफ़ी ज़्यादा है ईओ में, 9 लाख का वैल्यू 39 लाख बनाया, 18% का रिटर्न। तो इस तरह से करके एवीएम देखेंगे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी काफ़ी पुराना फंड, यहाँ भी 2008 से लेकर 2023 तक 9 लाख जमा हुआ है, 38 लाख है इस फंड में, मेरा भी पैसा लगा हुआ है। अब देखते हैं कि लास्ट में कौन सा फंड है और उसका एयूएम क्या है। सबसे लास्ट में देखते हैं यहाँ पे और उसका एयूएम देखते हैं, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी 278 करोड़, रिटर्न 7.44, LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप 414 करोड़, रिटर्न 8.68 पिछले 15 साल में, रिटर्न 9.19%। IDFC फोकस्ड इक्विटी 1300 करोड़, 9.64। तो इस तरह से देखते हैं सबसे कम एयूएम नीचे है और उसका परसेंटेज भी कम है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एयूएम अगर जितना ज़्यादा है, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं देखना है, लंबे समय के लिए आपका नजरिया है तो एयूएम जरूर देखना है। अब 10 साल के कैटेगरी में देखते हैं, अगर 10 साल अगर सेलेक्ट किया जाए तो फिर देखते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 15 साल पहले स्मॉल कैप का जन्म ही नहीं हुआ था तो दिखाएगा नहीं। क्वांट टैक्स फंड पहले नंबर पर आता है, क्वांट का कुछ म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का बात करते हैं, 2013 से लेकर 2023 तक 10 साल में 6 लाख जमा हुआ है और 20,20,000 बनाया है, 23% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। SBI स्मॉल कैप 2013 से लेके 2023 तक 6 लाख, एयूएम देखते हैं 15,000 करोड़, 22% का रिटर्न मिला है। क्वांट एक्टिव फंड 3,480 करोड़। इस तरह से करके देखिए, क्वांट स्मॉल कैप 2,500 करोड़, आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी 9,300 करोड़। अब लास्ट में देखते हैं जिसने कम रिटर्न दिया है तो उसका एयूएम देखते हैं कितना है। लास्ट 10 ईयर्स हमने सेलेक्ट किया है और सबसे कम रिटर्न किस फंड ने दिया है, यहाँ पे काफ़ी सारा फंड है क्योंकि ऑल इक्विटी हमने सेलेक्ट किया है। फ्रैंकलिन एशिया इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स में भी यही है, 278 करोड़, 414 करोड़। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी प्लान ए, प्लान ए, प्लान बी, इस तरह से करके ना घुमा फिरा के, मतलब जो जटिल हो ना उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। नॉर्मल फंड जो बहुत पहले से चल रहा है, नॉर्मल फंड 10 15 20 साल से चलते जा रहा है, उस सब में पैसा लगाते रहना है। अब देखिए 108 करोड़, रिटर्न 9.01। टॉरस फ्लेक्सी कैप रिटर्न 9%, 263 करोड़। आदित्य बिरला कम्युनिटी इक्विटी एम 17 करोड़ का एम, रिटर्न 9.1%। तो इस तरह से करके हमेशा आपको कोई भी कैटेगरी है उसके एम वाई में जाएंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ कंपनी लार्ज कैप से मिड कैप हो गए और कुछ कंपनी जो गरीब थे मिड कैप थे वो लार्ज कैप हो गए, तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सा लार्ज कैप हो गया और कौन कौन से गिर के मिड कैप हो गए। पहला, मिड कैप से लार्ज कैप मतलब गरीब से अमीर की तरफ बढ़े, लार्ज मतलब टॉप 100 कंपनी, सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनी। सेंसेक्स मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट, एक टोकरी है जिसमें 30 अमीर कंपनी बैठा हुआ है, वो सबसे ऊपर 30 कंपनी सेंसेक्स हुआ। निफ्टी मतलब उसमें 50 कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो बोलते हैं लार्ज कैप वो टोटल 100 ऊपर का अमीर कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में चले गए। कैप मतलब कैपिटल, मतलब पैसा, धन किसके पास ज्यादा है। वरुण बेवरेज मिड कैप में थे, लार्ज कैप हो गए। एबीबी इंडिया मिड कैप में थे, लार्ज कैप हो गए। पेज इंडस्ट्री, तो अब जब ये मिड कैप से लार्ज कैप हो रहे थे
जिन्होंने इंडेक्स फंड लेके रखा है, तो इंडेक्स तो जब जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वो जाएगा, लेकिन जब ये गति लगा रहा है, तेजी दिखा रहा है, तो फंड मैनेजर तो पहले से पोजीशन बना के रखे होंगे, जिन्होंने भी बना के रखा होगा, तो मिड कैप से लार्ज कैप हो रहे हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिखेगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, लार्ज कैप से मिड कैप बन गए, मतलब टॉप में तो थे लेकिन इतना अच्छा चला नहीं, अब नीचे आ गए। तो कौन कौन सा कंपनी है जो लार्ज कैप से मिड कैप में गिर गए? लार्ज कैप मतलब सेंसेक्स, अगर म्यूचुअल फंड के भाषा में बोलेंगे तो 100 कंपनी से नीचे हो गए, 101, 102, 105 पे चले गए। सेंसेक्स से अगर बाहर निकलना हो तो टॉप 30 से निकल करके 31, 32, 33, 34, 35 कहीं भी चला गया हो, तो लार्ज कैप से कौन कौन सा निकल करके मिड कैप में चले गया। तो अब यदि मिड कैप का बात करेंगे तो टॉप 100 तो हो गया लार्ज कैप, उसके बाद 150 में फॉल कर गया, नेक्स्ट 150 जो कंपनी होगा वो मिड कैप हुआ, उसके बाद जितना भी बचा सब स्मॉल कैप हो गया। तो बेचारा अभी 150 के कैटेगरी में है, मिड कैप में गिरे हुए हैं। मुथूट फाइनेंस कभी धूम मचा रहे थे, गिर के नीचे आ गए। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम जिनको बोलते हैं, ये भी थोड़ा गिर गए। बंधन बैंक, एम्फेसिस, क्लैंड फार्मा, पिरामल इंटरप्राइजेज, ये सब कुछ कंपनी है जो लार्ज से मिड में आ गए। तो इंडेक्स में लेके रखेंगे तो वो तो तमाशा देखते ही रहेंगे, गिर रहा है तो गिर रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। यहाँ तो फंड मैनेजर पहले से ही भाप लेंगे कि भाई किसमें डाउनफॉल ज़्यादा आ रहा है, अगर वो भाप पाए तो, अगर तो भाप लिए तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा होगा, नहीं भाप पाए तो पोर्टफोलियो गिर जाएगा। सब कुछ फ्यूचर पे निर्भर है, कौन कितना अच्छा कर पाएंगे। अब एक दूसरा चार्ट देखते हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि FII बेच रहे हैं और DII खरीद रहे हैं, मतलब बाहर के कंपनी को जो पैसा झोंकते हैं भारत में FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमारे बैंक है, SBI बैंक है, HDFC, ICICI, LIC है, तो इनको तो काफ़ी सारा पैसा है, हम लोगों का पैसा इनके पास है। अब वो चाहे अमेरिका में लगाए, कनाडा में लगाए, रूस, चाइना, कहाँ लगाए, तो इसको बोल देंगे हम, वहाँ के लिए बोल देंगे FII, हमारा पैसा वहाँ लगा रहा है। उसी तरह बाहर देश का पैसा अंदर यहाँ आ रहा है तो उसको बोलते हैं FII इंडिया के लिए। तो ये बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, और ये हुआ है इंटरनेट के एजुकेशन की वजह से। वो तो भंडाफोड़ हो रहा है, जो भी सच है वो भंडाफोड़ हो पा रहा है, लोग डर रहे हैं न्यूज़ से, लेकिन कहीं कहीं पता भी चल रहा है भाई ये सब तो बकवास है। तो यहाँ देखेंगे जनवरी में FII ने इतना बेचा, 41,000 करोड़, DII ने 21,000 करोड़ का खरीद लिया। फरवरी में देखेंगे 45,000 करोड़ बेचा, DII देखेंगे 42,000 करोड़ खरीद लिया। फिर मार्च, अप्रैल, मई, हर बार ऐसा होता नहीं था, ये अगर बेचते थे ना तो हम भी डर के बेचने लगते थे और धड़ाम 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 मार्केट और ज़्यादा गिरता था। अब तो इस बार जितना बार ये बेचते जा रहे हैं उतने बार हम खरीदते जा रहे हैं, एक बार इसने खरीदा तो हमने बेच दिया, उल्टा चल रहे हैं। पहले क्या था, ये बेचा तो हम भी बेचे, ये खरीद रहा है तो हम भी खरीद रहे हैं, तो खरीदते थे महंगे में और बेचते थे सस्ते में। तो ये नौटंकी जो है FII DII में मिसमैच जो है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये जो मैसेज इस तरह से आ रहा है ना कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, तो भाई ये तो हमारा रिप्लाई नहीं है। हमारा जो रिप्लाई होगा वो @SIP म्यूचुअल फंड की तरफ से होगा। पता नहीं ये कौन कौन रिप्लाई करते हैं, कुछ फ्रॉड है क्या है, मैं इसमें ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, व्हाट्सएप उनको करेंगे तो वो क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं चलता है। तो हमारा जब भी रिप्लाई होगा @SIP म्यूचुअल फंड है, और मैंने नंबर तो हर वीडियो में मैं लिख के ही रखता हूँ, कोई और नंबर है तो उस पर रिलाई मत कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, राजू भैया आप क्रांति ला दीजिएगा, खेत खलियान बेच करके म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, कभी नहीं करना है ऐसा। जो पहले से है जमीन जायदाद घर बेचना नहीं है, हमने नहीं बोला कि बेच दीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा है और जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, एज काफ़ी ज़्यादा है और आपने इन्वेस्ट किया था, प्लॉट फ्लैट खरीद के इन्वेस्ट किया था, ये नहीं कि बाप दादा जमाने से जो चलता आ रहा है खेत उसको बेच देंगे, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बेचना है। आपने देखा ये भूतकाल में जिसके पास कुछ नहीं था वो गया काम से, लेकिन जिसके पास खेत था ना वो उनका पेट पल गया और दूसरों को भी पला दिया उन्होंने। तो कभी भी ये नहीं करना है, सरप्लस पैसा है मेहनत करने के बाद, खर्च करने के बाद जो थोड़ा सा बच रहा है,
1000, 2000, 5000 जितना भी बच रहा है उतना ही इन्वेस्ट करना है, बेच बाच के कुछ भी कभी नहीं करना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था एनएवी के संदर्भ में कि 100 रुपया वाला एनएवी तो राजू जी बहुत महंगा है, तो क्यों नहीं 20 रुपया वाला एनएवी लिया जाए, 20 रुपया का बढ़ेगा तो 40 रुपया होगा तो पैसा डबल हो जाएगा। अब 100 रुपया को बढ़ने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, ये तो काफ़ी बढ़ चुका है। एनएवी का कोई मायने नहीं रखता, मैं पीछे वीडियो में भी ये बताया हूँ, एनएवी अगर कोई 1000 है, 2000 है और कोई 10 रुपया का है, 20 रुपया का है तो सस्ता है महंगा है ऐसे नहीं सोचना है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि ये एनएवी 100 रुपया का है और दूसरा एनएवी 20 रुपया का है। इसका मतलब ये है कि एक बनिया का दुकान है जहाँ पे जीरा मरीच धनिया गुंडी एक पैकेट में है 100 रुपया का मिल रहा है, तो ज़्यादा मिलेगा, बड़ा पैकेट है। दूसरा बनिया या वही बनिया एक छोटा पैकेट में जीरा मरीच धनिया गुंडी सेम चीज़ 20-20 रुपये में दे रहा है, ये छोटा पैकेट है ये बड़ा पैकेट है। मैं ये बोलूँगा इसमें सस्ता कौन है इसमें महंगा कौन है, आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, सस्ता महंगा क्या होगा, जिस रेशियो में है 100 रुपया देंगे तो ये 5 पैकेट दे देगा, ये एक ही पैकेट देगा तो बराबर ही होगा। सेम बात म्यूचुअल फंड में भी है, अगर आप 20 रुपया यहाँ लगाएंगे तो 1-1 रुपया करके सारे शेयर में इन्वेस्ट होगा, जो भी फंड मैनेजर ने स्टॉक चुना है 1-1 रुपया करके जाएगा। अगर आप 100 रुपया लगाएंगे तो 5-5 रुपया सारे स्टॉक में वो इन्वेस्ट होगा, तो जितने रेशियो में आप पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में वो चीज़ खरीदा जाएगा। आप 20 रुपया लगाएंगे तो जीरा मरीच धनिया गुंडी उतना ही का खरीदाएगा, आप 100 रुपया देंगे तो जीरा मरीच धनिया गुंडी उससे ज़्यादा खरीदाएगा। तो ये मायने नहीं रखता है कि सस्ता है कि महंगा है, दोनों बराबर है, रेशियो उस परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि सस्ता महंगा एनएवी के रेट से नहीं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 10% बढ़ गया रेट, 10% बढ़ गया या मार्केट 10% बढ़ गया, तो जो 20 रुपया वाला चीज़ है 10% बढ़ेगा तो 2 रुपया बढ़ेगा, 22 रुपया का हो गया, अगले साल से ये 22 रुपया में मिलेगा जो 20 का पैकेट मिलता था। ये भी 10% बढ़ेगा तो 100 का चीज़ था 110 हो गया, तो एक साल के बाद ये 22 में मिलने लगा और ये 110 में मिलने लगा। तो इस तरह से करके एनएवी का चक्कर बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों में भी यही सोचने के लिए मिलता है कि बढ़ गया, ये स्टॉक थोड़ी है कि बढ़ गया। एक इंडिविजुअल शेयर के बारे में तो समझ में आता है कि ABC कंपनी है, ये बढ़ते बढ़ते 100 रुपये से 1000 रुपया, 10000, 20000 हो गया, भाई अब कितना बढ़ेगा, सही बात है अब कितना बढ़ेगा, जितना वैल्यूएशन था उससे भी ज़्यादा वो 4-5 गुना हो गया है। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड में तो आप जो पैसा लगाते हैं वो अलग अलग कंपनी में पैसा जाता है, आज अगर 10 रुपये लगाएंगे तो 10 रुपये ही जाएगा, आज यदि 1000 रुपये लगाएंगे तो 1000 रुपये ही जाएगा, आज ही जाएगा, ये नहीं कि पीछे 10 साल पहले वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आज ही जब जाएगा तो ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा लगेगा, कम देंगे तो कम लगेगा, तो एनएवी का कोई चक्कर नहीं है। अगला कमेंट देखते हैं, राजू जी डायरेक्ट और रेगुलर में कौन सा अच्छा है। डायरेक्ट और रेगुलर मतलब म्यूचुअल फंड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पहले भी बताया हूँ, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट कोई पढ़ने जाते हैं टीचर के पास, तो वो टीचर हमें बना सकते हैं या किसी एडवाइज़र को बना सकते हैं, एक तो ये मतलब हो गया। एक होता है डायरेक्ट कि भाई हमको किसी का ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, पढ़ेंगे खुद, ऑनलाइन पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे सब कुछ खुद कर लेंगे, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो हो गया डायरेक्ट। एक रेगुलर हो गया कि भाई आपको सहायता चाहिए, आप बिजी आदमी हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज होते हुए भी आप इन सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि किसी एक्सपर्ट को लगा देंगे, जैसे जैसे गाइड करते रहेंगे, तो हो गया रेगुलर, आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं। एक होता है डायरेक्ट मतलब आपको खुद करना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, तो दोनों कर सकते हैं, अच्छा कौन है सबसे ज़्यादा, तो जाहिर सा बात है जहाँ कोई एडवाइस नहीं चाहिए अपने आप कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो हमें मिलना चाहिए, जो एक टीचर को मिलना चाहिए वो ना मिलके वो भी आपको मिल जाएगा, जो बचत है वो जो दूसरों को देते वो नहीं देना पड़ेगा अपने आप कर रहे हैं, तो एडवाइज़र का यही रोल है, जो हमें मिलना है वो बच जाएगा और वो आपको लगभग चला जाएगा। और कितना होता है 0.25 से लेके 1% तक होता है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्कीम में अलग अलग चार्ज होता है, डेट में, लिक्विड में, इक्विटी में लगभग 0.75 से 1% होगा, बाकी कैटेगरी में कम होता है। तो इतना पैसा आप बचा सकते हैं, डायरेक्टली करते हैं तो सब कुछ नॉलेज है अपने से करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन आपको नहीं पता है पहले सीखना है तो 1 साल 6 महीना सब कुछ सीख लीजिए, दाव पेज जितना चीज़ म्यूचुअल फंड में तो है, सब सीखने के बाद में चेंज कर लीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं, ऐप और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है,
वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।